हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शाहरुख और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल रंगरेज। दोस्तों, आप सबका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके मोबाइल में किसी वजह से अगर आपके मोबाइल की सेटिंग ख़राब हो गई है या आपके बच्चे ने आपके मोबाइल की सेटिंग ख़राब कर दी है और उसको कैसे सही करना है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा और अभी तक हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए, यहाँ पर आपको जेन्युइन वीडियो देखने को मिलेंगे। चलिए देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में अगर सेटिंग ख़राब हो गई है, किसी भी प्रकार की मोबाइल सेटिंग में ख़राब हो गई है, तो सबसे पहले करना क्या है दोस्तों, आपको अपने सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद देखिए, सबसे नीचे आ जाना है यहाँ पर और ऊपर की तरफ यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सिस्टम मैनेजमेंट। देखिए, मैं बता दूं कि ये मोबाइल जो है वो ओप्पो का मोबाइल है, वीवो का मोबाइल है। ये मैं वीवो में बता रहा हूँ, हर मोबाइल में अलग अलग सेटिंग हो सकती है। तो यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, यहाँ सर्च भी करके इसको सिस्टम मैनेजमेंट को सर्च कर सकते हैं। अगर ये नहीं आ रहा है तो यहाँ पर ऊपर की तरफ लिख देंगे रिसेट ऑल सेटिंग, ठीक है, आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सिस्टम मैनेजमेंट पर क्लिक किया। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाता है बैकअप एंड रिसेट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रिसेट ऑल रिसेंट नेटवर्क सेटिंग और नीचे लिखा हुआ है रिसेट ऑल सेटिंग। तो यहाँ पर हम करना क्या है, हमारी जो मोबाइल की सेटिंग है वो ख़राब हो गई है, तो मोबाइल की सेटिंग सही करने के लिए रिसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो मोबाइल में अगर पिन लगा होगा तो पिन डाल देना है और पिन डालने के बाद डन कर देना है। आपका मोबाइल हो सकता है कि स्विच ऑफ होके ऑन हो जाए, मतलब कि बहुत से मोबाइल स्विच ऑफ होके ऑन हो जाते हैं एक दो मिनट में और कुछ मोबाइल 10 मिनट लेते हैं और कुछ मोबाइल स्विच ऑफ ऑन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा प्रोसेस करने पर आपका जो मोबाइल की सेटिंग है वो ठीक हो जाएगी, फिर से न्यू मोबाइल के तरीके हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ गई हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आ गई हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।